हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, पर नए के साथ में इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा। आप जब भी नया पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो होता ही है, थोड़ा सा डरावना भी होता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको ईजी बनाने का, और आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा इसको समझने की अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? एक्चुअल में पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका एक टाइप है रिप्रेजेंटेशन। किसका? यह एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ही। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ही एक टाइप है किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है ना? तो लेकिन इसमें जो दो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ होती है एक, इसमें होती है एक डिस्टेंस, और सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है एंगल। तो जो मेरा कार्टेशियन सिस्टम होता था उसमें दोनों जो चीज़ें होती थी वो डिस्टेंस ही होती थी, लेकिन इसमें एक डिस्टेंस होता है और इसमें एक एंगल होता है। ठीक है, तो खैर डिस्टेंस के लिए जो मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है वो होता है रेफरेंस पॉइंट। मतलब शुरुआत करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है पॉइंट। तो इस केस में भी डिस्टेंस को स्टार्ट करने के लिए मेरे को चाहिए एक पॉइंट, लेकिन एंगल को स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए होती है एक लाइन। ठीक है, तो जो मेरा पोलर कोऑर्डिनेट है वो दो चीज़ों पे बना होगा, दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट एंड अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। अब ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ठीक है, और हमेशा की तरह इसका नाम भी मैं ओ ही दूंगा। ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस की स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत हो तो आई एम सॉरी। ठीक है, वैसे भी मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। तो और फिर ये जो है, अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो जनरली हम इसे ओ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बेस पे मैं एक पॉइंट हमेशा की तरह वही पी, आपको पहले बोला था पी पॉइंट है, इसकी मैं लोकेशन डिसाइड करूँगा। तो लोकेशन डिसाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस को मैं मानूंगा आर, और एक एंगल होगा जो रेफरेंस लाइन से बना रहा होगा, तो ये होगा वो एंगल। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर। और ये जो थीटा है, जो एंगल है, वो मेरा होता है वेक्टोरियल एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, तो जनरली इसका कन जो वो होता है, साइन होता है, वो मेरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, अब ये एंगल और ये रेडियस, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब ये कैसे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ थीटा। थीटा कब पॉजिटिव होगा और कब मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर मेरा एंगल पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज आप समझते होंगे, घड़ी के कांटे जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन, जैसे ये ऐसा इस तरफ ऐसा करके। ठीक है ना, और अगर एंगल मेरा नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब मुझे इसे किस डायरेक्शन में मेज़र करना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, वैसे ही आर है, तो आर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ये डिस्टेंस है फिर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस है कई बार आपको नेगेटिव दी हो सकती है, क्योंकि आपको उसमें डायरेक्शन उसको मेंशन करना होता है,
उसको बताना होता है कि किस डायरेक्शन में मैं आगे देख रहा हूँ या पीछे देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो जब डायरेक्शन मेरी आर जो है मेरा पॉजिटिव दे रखा होगा तो मैं सामने देख रहा हूँगा, फ्रंट में, ठीक है ना। कहाँ देख रहा हूँ? फ्रंट में, मतलब कहने का मतलब ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ, ठीक है। और अगर मैं मेरा आर जो है नेगेटिव दे रखा होगा तो ओ से पी की तरफ नहीं, इसके ठीक पीछे इस तरफ पी डैश लिख लेता हूँ इसको। तो मैं किधर देख रहा हूँगा? ओ से पी डैश की तरफ, ठीक है। अभी हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुआ हो, मतलब थोड़ा बहुत हुआ हो थोड़ा बहुत नहीं हुआ हो। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मतलब चार एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिससे आपके सारे केसेस कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहला एग्ज़ाम्पल है 1, π/4, ठीक है। ये 1 क्या बता रहा है? आर। ये π/4 क्या बता रहा है? मेरा थीटा, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो पी होगा वो r, θ के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये होता है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट, PR, θ, ठीक है। तो ये है मेरा जिसमें आर डिस्टेंस 1 है और एंगल मेरा कितना है? π/4। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं। अब एक केस लेता हूँ जिसमें मेरा डिस्टेंस पॉजिटिव है, एंगल मेरा नेगेटिव है ना, 1 - π/4। एक और केस लेता हूँ जिसमें मेरा एंगल पॉजिटिव है, सॉरी डिस्टेंस नेगेटिव है और एंगल पॉजिटिव है। और एक और केस लेता हूँ जिसमें मेरे दोनों नेगेटिव है, डिस्टेंस भी नेगेटिव है। अब सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा? एंगल। तो सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ की, रेफरेंस लाइन, ये है मेरी रेफरेंस लाइन। अब π/4 होता है मेरा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है, ये एंगल पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसा। तो ये 45 डिग्री मेज़र किया, अब इस डायरेक्शन में मुझे 1 चलना है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसा, तो ये होगा ऐसा 1, तो ये 1 चला मैं, तो ये मिलकर मुझे पी, ये होगा 1, π/4, ठीक है। ये मेरा पहला केस हो गया। अब ऐसी सेकंड केस, सेकंड केस में मैं देखता हूँ ये है मेरा रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब मुझे इसमें मुझे सबसे पहले एंगल ही ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करूँगा तो -π/4 है, मतलब मुझे कैसे किस डायरेक्शन में चलना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ऐसा, तो ये -π/4 ऐसा चला इतना। अब इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मुझे 1 चलना है, तो ये 1 चला, तो ये क्या आ गया मेरा? 1, -π/4, ठीक है। थर्ड केस, थर्ड केस में मुझे चलना है π/4। सबसे पहले एंगल, अब ये पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो ऐसा मैं π/4 चला, ठीक है। अभी ये दे रखा है नेगेटिव, तो π/4 किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है ऐसा, लेकिन मुझे किसकी? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन कैसी होगी? नीचे की तरफ होगी ऐसी। तो इस केस में ये पॉइंट होगा मेरा, ये पॉइंट क्या होगा मेरा? -1, π/4, ठीक है। सेम ये वाला केस देखता हूँ, इस केस में ये बनाई है मैंने रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसमें -π/4 मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें मुझे डिस्टेंस चलना है -1, तो ये इस तरीके से ये पॉजिटिव होगा, तो मुझे इसके अपोजिट चलना होगा, तो ये अपोजिट ऐसा कुछ हो, तो ये 1 डिस्टेंस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैं चला, तो मेरे को क्या मिला? -1, -π/4, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक आइडिया था पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये है मेरा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स है क्या। पी जो होता है वो एक डिस्टेंस और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन का ही एक टाइप है, मतलब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक टाइप है। बस इसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है एक डिस्टेंस और एक है एंगल। डिस्टेंस के लिए मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है और एंगल मेज़र करने की एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। एंगल जिसे मैं मेज़र करता हूँ उस एंगल को वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं, जो डिस्टेंस में मेज़र करता हूँ उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है।
और इसकी कन्वेंशन है ये, थीटा का कन्वेंशन है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होता है तो उस केस में मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करता हूँ, जब थीटा मेरा नेगेटिव होता है तो उसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेज़र करता हूँ। जो डिस्टेंस है अगर वो पॉजिटिव गिवन है तो जिस डायरेक्शन में मेरा एंगल में बना हुआ है उसी डायरेक्शन में मुझे लेना है, अगर मेरा आर नेगेटिव गिवन है तो मुझे उसकी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, होपफुली ये चार एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये, मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, इसके बाद वाली चीज़ें और भी हमें, जैसे कन्वर्शन है, पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो इसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।